आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी रिश्ता हर खबर। दिल्ली में चल रहे एमसीडी द्वारा बुलडोजरों से रेड़ी पटरी वालों की तोड़फोड़। आए दिन जगह जगह पर रेड़ी पटरी वालों को दिल्ली में उजाला जा रहा है। उनका कहना है कि मैं यहां पर हम 30 वर्ष से 25 वर्ष से यहां रेड़ी पटरी लगाते हैं और उसके बावजूद भी आए दिन तोड़फोड़ होती है, रेड़ी पटरी दुकानों को उजाड़ दी जाती है। जबकि उनका यह भी कहना है कि एमसीडी के द्वारा एमसीडी के कर्मचारी को व स्थानीय क्षेत्रीय पुलिस वालों को हम मंथली भी देते हैं, उसके बावजूद भी हमारी दुकान को उजाड़ दी जाती है। हम जाएं तो कहां जाएं, जबकि हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी मिला हुआ है, उसको भी नहीं मानती है एमसीडी, तो हम जाएं तो कहां जाएं। जब हमने इस समस्याओं को लेकर के लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में कुछ लोगों से बात की, तो आइए दिखाते हैं यहाँ के लोगों ने क्या कहा और क्या समस्या से जूझ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी और मैं संजीव झा। इस वक्त लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में हम हैं, जहाँ पे रेड़ी पटरियों को समस्याओं को लेकर के यहाँ पे इन रेड़ी पटरी वाले का कहना है कि आए दिन एमसीडी का दरबार लटकी हुई रहती है। तो यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और आइए बात करते हैं जो क्या समस्या यहाँ का है। आइए बात करते हैं, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम दीपक है, दीपक गुप्ता। हाँ, बताएं क्या समस्या है यहाँ सर? हमारे यहाँ क्या करते हैं आप? सर, मैं यहाँ पे पिछले 15 से 17 सालों से पटरी लगा रहा हूँ सेंट्रल मार्केट शक्तिराज पार्क में। हमारी समस्या ये है कि हमें नॉन वेंडिंग जोन कह के यहाँ से हमें हटाया जा रहा है। पिछले 2 सालों से हमें बहुत ज़्यादा परेशान करा जा रहा है और ये नो वेंडिंग जोन सिर्फ पटरी वालों के लिए है। जी, 2007 में नेशनल वेंडिंग पॉलिसी एक आई थी, उसके तहत रेड़ी पटरी वाले ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। 100 रुपये की पर्ची दी गई थी जिससे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था और जिसमें हमें ये आश्वासन दिया गया था कि हमें आज नहीं तो कल उसके तहत हमें जगह मिल जाएगी। लेकिन ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी 18/5/2018 का एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें साफ साफ कहा गया है कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है 2007 की पर्ची में, उसमें किसी भी वेंडर को हटाया नहीं जाएगा। लेकिन उसको भी ताक पर रखकर एमसीडी और पुलिस हमारा शोषण कर रही है। हमें मार्केट से निकाला जा रहा है, हमें मार्केट से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो इनका कहना है कि 2007 में इनको सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आए दिन एमसीडी की तलवार लटकी रहती है और यहाँ पे लूट खसोट एमसीडी व स्थानीय पुलिस को लेकर के यहाँ पे लूट पुलिस पे भी और एमसीडी पे भी इन्होंने आरोप लगाया है कि आए दिन हमसे जो है मंथली जाता है, उसके बावजूद भी एमसीडी की तलवारें हमेशा लटकी रहती है। कैमरामैन वंदना यादव के साथ मैं संजीव झा, लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट। देखते रहिए खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।